हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग चैप्टर नंबर ट्वेंटी ओवर फेस्टिवल्स मतलब कि हमारे त्यौहार द फॉलोइंग पिक्चर शोज हाउ सम फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड तो हमें यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट हम करते हैं राइट बिलो इच पिक्चर्स द नेम ऑफ द फेस्टिवल तो हमें सारे पिक्चर्स के नीचे राइट फेस्टिवल का नेम लिखना है चूज द नेम्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो तो हमें बॉक्स में से नेम को चूज करना है और फिर ब्लैंक्स में करेक्ट स्पेलिंग लिखना है ओके okay? चलो देखते हैं लेट स्टार्ट सो विच फेस्टिवल इज गिवन इन फर्स्ट पिक्चर लुक एट दिस पिक्चर विच फेस्टिवल इज गिवन हियर सो दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ़ दशहरा कौन सा फेस्टिवल है दशहरा फर्स्ट फेस्टिवल इज़ दशहरा फर्स्ट फेस्टिवल इज दशहरा डी ए एस एच ई आर ए दशहरा तो दशहरा में क्या होता है रावण दहन किया जाता है देखो यहाँ पर जो रावण होता है उसका जो पुतला होता है उसका दहन किया जाता है तो दशहरा में क्या किया जाता है हम दशहरा फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं तो रावण के जो रावण का जो पुतला होता है उसका दहन करके दशहरा फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं देन नंबर टू नंबर टू इज दिवाली लुक एट दिस पिक्चर सो दिस इज द पिक्चर ऑफ दिवाली ओके okay? तो दिवाली में सब लोग क्या करते हैं दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ क्लीनस एंड लाइटनिंग तो दिया जलाते हैं फिर फटाखे फोड़ते हैं तो ऐसे दिवाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं डी आई डब्ल्यू ए एल आई दिवाली ओके देन नंबर थ्री नंबर थ्री इज विच फेस्टिवल इज गिवन हियर लुक एट दिस पिक्चर एंड देन आइडेंटिफाई विच पिक्चर इज गिवन हियर सो द पिक्चर इज द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस लुक एट दिस पिक्चर प्रॉपरली एंड देन आइडेंटिफाई क्रिसमस सी एच आर आई एस टी एम ए एस क्रिसमस तो क्रिसमस में क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं चलो बताओ क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट सो क्रिसमस में क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है एंड द सेंटाइज गिव ए गिफ्ट टू ऑल द किड्स तो ऐसे क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है नंबर फोर नंबर फोर विच फेस्टिवल इज गिवन इन नंबर फोर लुक एट दिस पिक्चर एंड देन आईडेंटिफाई विच पिक्चर इज गिवन विच फेस्टिवल इज गिवन इन दिस पिक्चर सो द फेस्टिवल इज ईद एलाद ई आई डी ईद ए मिलाद आई एल ए डी मिलाद ईद मिलाद तो ईद मिलाद में नमाज़ पढ़ा जाता है फिर एक दूसरे के गले मिलकर जो फेस्टिवल होता है उसे सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के घर पे जाकर सेवई खाते हैं चलो नंबर फाइव लुक एट दिस पिक्चर नंबर फाइव नंबर फाइव में कौन सा फेस्टिवल है चलो बताओ नंबर फाइव इज गणेश चतुर्थी जी ए एन ई एस एच गणेश सी एच ए टी यू आर टी एच आई चतुर्थी गणेश चतुर्थी तो गणेश चतुर्थी में जो लॉर्ड गणेशा है उनका जो आइडल होता है मींस कि उनकी जो मूर्ति होती है उसे घर पे लाई जाती है या तो फिर ऐसे पब्लिक में भी फेस्ट पब्लिक में भी उनकी जो मूर्ति होती है वो लाई जाती है और फिर उनकी पूजा की जाती है तो कोई कोई लोग डेढ़ दिन के लिए भी लाते हैं थ्री डेज़ के लिए भी होता है फाइव डेज के लिए भी सेलिब्रेट होती है और इलेवन डेज भी सेलिब्रेट किया जाता है गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल नंबर सिक्स नंबर सिक्स इज़ होली धुल्हेटी नंबर सिक्स इज ए होली धुल्हेटी तो होली धुल्हेटी में होली धुलेटी क्या है इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स तो एक दूसरे के ऊपर कलर्स को स्प्रेड करके हम होली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं एच ओ एल आई होली डी एच यू एल ई टी आई धुल्लेटी होली धुल्हेटी देन नंबर सेवन नंबर सेवन इज उत्तरायन दिस इज द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायन यू डबल टी ए आर ए वाई ए एन उत्तरायण उत्तरायण इज़ ए फेस्टिवल ऑफ़ काइट्स तो उत्तरायण फेस्टिवल में काइट को फ्लाई करके फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है तिलगुड़ की तिलगुड़ के लड्डूस खाए जाते हैं छिक्की खाई जाती है तो ऐसे हम उत्तरायण का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं देन नंबर एट इज़ रक्षाबंधन दिस इज़ द फेस्टिवल दिस इज ए फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन आर ए के एस एच ए बी ए एंड डी एच ए एन रक्षाबंधन सो रक्षाबंधन इज ए फेस्टिवल ऑफ लव ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर सिस्टर होती है वो क्या करती है उसके ब्रदर के हाथों में मीन्स की उसकी जो कलाई होती है वहाँ पर राखी बांधती है और जो ब्रदर होते हैं वो सिस्टर्स को गिफ्ट देते हैं ऐसे हम रक्षाबंधन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं चलो अभी हम नेक्स्ट पेज में नीचे उसकी जो एक्सरसाइज दी गई है वो हम अभी सॉल्व करेंगे राइट द नेम्स ऑफ फेस्टिवल इन द ब्लैंक तो हमें क्या करना है फेस्टिवल का नेम लिखना है चलो नंबर वन द फेस्टिवल ऑफ क्लीननेस एंड लाइटनिंग तो अभी हमने जो पिक्चर्स देखे तभी तो हमने सीखा था द फेस्टिवल ऑफ क्लीननेस एंड लाइटनिंग विच फेस्टिवल इज सो दिवाली डी आई डब्ल्यू ए एल आई हमें आंसर में क्या लिखना है दिवाली लिखना है तो लुक एट हियर इन दिस बॉक्स बॉक्स में हमें स्पेलिंग दिया है वहीं से हमें आइडेंटिफाई करके उसे लिखना है डी आई डब्ल्यू ए एल आई दिवाली The festival of colors. Number two, the festival of colors. Colors ka festival konsa hai? Holy Duleti. So we have to write here Holy Duleti. H O L I D H U L E T I. Holy Duleti. Number three, the scared festival of love of brother and sister. The scared festival of love of brother and sister. तो कौन सा फेस्टिवल है रक्षाबंधन आर ए के एस एच ए बी ए एन डी एच ए N एन रक्षाबंधन सो यहाँ से हमें आइडेंटिफाई करके फिर ब्लैंक में करेक्ट स्पेलिंग लिखना है नंबर फोर द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड कृष्णा मीन्स भगवान का भगवान कृष्णा का भी बर्थडे है तो कौन सा फेस्टिवल तभी सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जे ए एन एम ए एस एच टी एम आई जन्माष्टमी सो वी हैव टू राइट हियर जन्माष्टमी नंबर फाइव नंबर फाइव द बर्थडे ऑफ श्री राम श्री राम का जो बर्थडे है जब बर्थडे होता है तभी कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं रामनवमी श्री राम ओके श्री राम का जब भी बर्थडे होता है तो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं राम नवमी आर ए एम एन ए वी एम आई राम नवमी नंबर सिक्स द फेस्टिवल ऑफ काइट्स काइट फेस्टिवल कौन सा है उत्तरायण यू डबल टी ए आर ए वाई ए एन उत्तरायण सो वी हैव टू राइट हियर उत्तरायण ओके स्टूडेंट्स सो यू हैव टू राइट ऑल दिस इन योर टेक्स बुक ओके सो राइट इन प्रॉपर हैंड राइटिंग देन यू हैव टू राइट नेक्स्ट पार्ट इन योर नोटबुक आप लोगों को ये वाला पार्ट है वो जीके की नोटबुक में लिखना है चैप्टर नंबर ट्वेंटी अवर फेस्टिवल हेडिंग देना है और फिर सारे हार्डवर्स लिखने हैं सो फर्स्ट इज दिवाली डी आई डब्ल्यू ए एल आई दिवाली नंबर टू एच ओ एल आई डी एच यू एल ई टी आई होली धुलेटी नंबर थ्री रक्षाबंधन आर ए के एस एच ए बी ए एन डी एच ए एन रक्षाबंधन नंबर फोर ईद ए मिलाद ई आई डी ई

सी एच ए टी यू आर टी एच आई चतुर्थी नंबर नाइन जन्माष्टमी जे ए एन एम ए एस एच टी एम आई जन्माष्टमी सो स्टूडेंट्स ये सारे हार्ड वर्ड्स आप लोगों को जीके की नोटबुक में फाइव टाइम्स लिखने हैं हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू राइट इन योर जीके नोटबुक फाइव टाइम्स यू हैव टू राइट दिस ऑल द स्पेलिंग फाइव टाइम्स इन योर नोटबुक एंड लर्न प्रॉपरली ओके स्टूडेंट्स Thank you.